इस वक्त आप देख रहे हैं कि दशहरा ग्राउंड राजौरी में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जो है दशहरे की तैयारियां की जा रही है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं जो 2-3 घंटों के बाद तैयार हो जाएंगे और हर साल की तरह इस साल भी सनातन धर्म सभा से जो झांकी निकाली जाएगी वो बाजार के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ पर जो है मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले बनाए गए हैं और इनको जो है यहाँ पर जो है जलाया जाएगा शाम को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हजारों के हिसाब से लोग जो हैं इस दशहरे का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर अब्दुल्ला पुल के नीचे जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी पूरी तरह जो है वो तैयारियां की गई है, पूरी तरह चौकसी बरती हुई है और यहां पर शाम को सनातन धर्म सभा राजौरी से जो एक महा जो है जो है रैली जो है निकाली जाएगी, यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यहां पर दशहरा ग्राउंड राजौरी में इख्तिताम पजीर होगी। और यहां पर मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं उनको जलाया जाएगा और यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब मेरे कैमरामैन आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है पुतले खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी टीम जो है वो लगी हुई है, जो रामलीला क्लब के जो है वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और जो है शाम के टाइम जो है